कक्षा 11 इतिहास के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसको हमने दो भागों में अपने स्तर से विभक्त कर दिया है ताकि विद्यार्थियों को समझने में सहूलियत हो। इसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। लेखन कला और शहरी जीवन, देखें आप, शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। ये मेसोपोटामिया क्या है, देखें आप, यहाँ चिन्ह बना हुआ है, उसके बारे में हम आपको बता दें ताकि जब कभी भी मेसोपोटामिया शब्द का प्रयोग हो तो आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके जेहन में वह दृश्य आ ही जाना चाहिए, समझने में इससे सहूलियत होगी। देखिए, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य और पोटामोस यानी नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात, नदियों के बीच की उपजाऊ धरती इंगित करता है। फिर से मैं आपसे बता दें, देख ले आप, मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य और पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात, नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। आगे हम फिर बढ़ते हैं। फरात और दजला नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विकास, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरी प्रदेशों और उत्तरी कोरिया, उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फराओं के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे। फिर यह जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए। अब लिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को, मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अकदी भाषी लोग यहाँ आ गए तब अकदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अकदी भाषा सिकंदर के समय 336 से 323 ईसा पूर्व तक उस क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हुआ। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी। 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। यहाँ एक या दो स्थलों पर, जैसे उरूक और मारी में, जिन पर हम अभी आपसे आगे चर्चा करेंगे,
उत्खनन कार्य कई दशकों तक चला। भारत में किसी भी स्थल पर इतने लंबे समय तक खुदाई की कोई परियोजना नहीं चली। इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियों, आभूषणों, कब्रों, औजारों और मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबिल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। यूरोप के यात्री और विद्वजन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। जब इस क्षेत्र में पुरातत्वीय खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षर सा सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। 19वीं सदी के मध्य से मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई। सन 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबिल में उल्लिखित जल प्लावन की कहानी का अंकन था। 1960 के दशक तक यह समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियां अक्षरशः सही नहीं है, लेकिन ये इतिहास में हुई महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती हैं। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें अधिकाधिक उन्नत और परिष्कृत होती गईं। इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी। बाइबिल की कहानियों की अक्षरशः सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौण हो गया। आगे के अनुभागों में हम इन बातों पर चर्चा करेंगे, अध्ययनों पर आधारित हैं। इस तरफ आप देख लें कि बाइबिल के अनुसार देखें आप बाइबिल के अनुसार यह जलप्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जलप्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। नोआ ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया। जब जलप्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को जीवसूत्र या उतना पिष्टिम कहा जाता था। और आप देखें इस चित्र को देख लें आप, देखें आप चित्र जो दो नदियों की बात है, देखिए दजला नदी और यहाँ फरात नदी, ठीक है। और यहाँ संकेत देखें आप, ये सभी काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर, लाल सागर, यहाँ पर आप देखें मिस्र दिख रहा है, नील नदी दिख रही है, पर्वत श्रेणियों को आपको दर्शाया गया है इन चिन्हों के रूप में, और इन सब चीजों को आप देखें, ईरान, यहाँ सिंधु नदी, तुर्की। और जलप्लावन के बारे में अनेक समाजों में अपनी अपनी पुराण कथाएं प्रचलित हैं। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो इतिहास में भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों की यादों को अमिट रखते हुए अभिव्यक्त करते हैं। इनके बारे में कुछ और जानकारी
का पता लगाएं और यह बताएं कि जलप्लावन से पहले और उसके बाद का जनजीवन कैसा रहा होगा, ये विद्यार्थियों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं, जो धीरे धीरे वृक्षादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए हैं। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने, जंगली फूस हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। उत्तर में ऊंची भूमि है, जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती हैं। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही हैं। जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती है। मेसोपोटामिया पर्वत स्टेपी रेगिस्तान दक्षिण का संचित क्षेत्र यह चित्र है। देखिए पर्वत का पहले से हमने बताया कि इस रूप में इंगित किया गया। देखें बालिक नदी, हाबुर नदी और ये देखें फरात नदी, दजला नदी, ये बगदाद आपका, ये सब चिन्ह जो दिखाए गए, यह सिंचित क्षेत्र है, कृषि उत्पादकता का प्रदेश। यहाँ पानी मिलता था, वर्षा पर आधारित जो कृषि क्षेत्र हैं उसके लिए यह ये जो चिन्ह बने हुए हैं, ये वर्षा सिंचित कृषि प्रदेश की दक्षिणी सीमा, ये देखें। और पर्वतीय क्षेत्र के लिए हमने आपसे बताया है ये सब पर्वतीय क्षेत्र। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बटकर बहने लगती है। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है। पुराने जमाने में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम देती थीं। इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ और मटर या मसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। रोम साम्राज्य, आगे पढ़ेंगे आप, सहित सभी पुराने व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। हालांकि वहां फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। विद्यार्थियों को बता दें, क्योंकि प्रामाणिक और अधिकृत जिनके उत्तर लिखने से आप विभिन्न परतों की परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सकते हैं, उस पर NCERT की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम यहाँ पर NCERT के आभारी हैं जिनसे हम ये सारे तथ्य लिए हैं और इनका उपयोग विद्यार्थियों के हकों में किया जा रहा है। खेती के अलावा भेड़ बकरियाँ स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों, पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित थे, जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन आदि वस्तुएँ मिलती थीं। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी। गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल पिंड खजूर देते थे, लेकिन हमें यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में हम यहाँ पर आगे बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहले हम शहरी जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी देंगे या उसे हमें लेना चाहिए। आप देख लें शहरीकरण का महत्व।
शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप कस्बे बनने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है, विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं की दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता है। जैसे वह पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजार की जरूरत पड़ती है, वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता। वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वह कहां से प्राप्त करे। उसकी विशेषता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है। वह व्यापार करना नहीं जानता। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु ताबा या रागा लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता। साथ ही इसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की जरूरत होती है। इस प्रकार श्रम विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर शहरी जीवन की विशेषता है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी है। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन धातु विभिन्न प्रकार के पत्थर लकड़ी आदि जरूरी चीजें भिन्न भिन्न जगहों से आती हैं, जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांव से आते हैं, उनके संग्रह तथा वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए। जाहिर है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं और दूसरे उनका पालन करते हैं। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है। आप देखिए, आप इस तरफ मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। कांसा ताबे और रागे के मिश्रण से बनता है। कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी। बढ़ई का सही काम मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में जड़ने, सीपियां काटने आदि के कामों के लिए धातु के औजारों की जरूरत पड़ती थी। मेसोपोटामियाई हथियार भी कांसे के ही होते थे, जैसे भालों की नोके कांसे की बनी होती थी, जिससे हम आगे अभी उसको देखेंगे। यहाँ पर देखें आप यह सुंदर चित्र, आप देखें वार का शीर्ष 3000 ईसा पूर्व उरुक नगर में एक स्त्री का यह सिर एक सफ़ेद संगमरमर को तराशकर बनाया गया था। इसकी आंखों और भौहों में क्रमशः नीले लाजवर्द तथा सफ़ेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई होगी। सिर के ऊपर एक खाका बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। यह मूर्ति का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख ड्योड़ी और गालों सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया है जिसे काफी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। पत्थर लाने से लेकर इस मूर्ति के निर्माण में और किन विशेषज्ञों का योगदान रहा होगा, उनकी सूची विद्यार्थी बना सकते हैं। आप देखें, क्या शहरी जीवन धातुओं के इस्तेमाल के बिना संभव होता, इस विषय पर विद्यार्थी चर्चा करेंगे। एक बार से फिर से आप देख लें यह मूर्ति, और नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ पूरा आकार। देख लें आप, ये रहा वार का शीर्ष।
शहरों में माल की आवाजाही। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों पर औजार, मोहरे, मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहां उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, ताबा, रागा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद काफी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, मगर वहां खेती करने की बहुत कम गुंजाइश थी। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता जबकि इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो जो विदेशी अभियानों और विनियमों को निर्देशित करने में सक्षम हो। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भारवाही पशुओं के पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों पर डालकर शहरों में अनाज या काठ, कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। पशुओं के चारे आदि पर भी काफ़ी खर्च आता है। शहरी अर्थव्यवस्था उसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती। परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जल मार्ग ही होता है। अनाज के बोरों से लदी हुई नावें या बजरे नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते हैं, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता। जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। आगे इसी अध्याय में मारी नगर का जो विवरण दिया गया है, इसे पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा। इसे आपको हम बताएंगे, फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी अधिक महत्वपूर्ण थी। ये देखें, चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएं लगभग 3200 ईसा पूर्व, इसको देख लें। प्रत्येक पट्टिका की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर या उससे कम की है। इन पट्टिकाओं पर बने संकेत चित्र बैल, मछली, अनाज और नाव आप देख सकते हैं। यह बैल का प्रतीकात्मक चिन्ह है। चिकनी मिट्टी पर पट्टिकाएं और इसे देखें आप, और यहाँ पर भी देखें अनाज और मछली के संकेत, संख्याएं और इन नाव। इस चित्र को एक बार फिर से आप देख लें। लेखन कला का विकास। सभी समाजों के पास अपनी भाषा होती है, जिसमें उच्चरित ध्वनियाँ अपना अर्थ प्रकट करती हैं। इसे मौखिक या शाब्दिक अभिव्यक्ति कहते हैं। लिखना मौखिक भावाभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ है उच्चरित ध्वनियाँ, जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ पाई गई हैं, वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं। वहाँ बैलों, मछलियों और रोटियों आदि का लगभग 5000 सूचियाँ मिली हैं, जो वहाँ के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होंगी। स्पष्टतर लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे। उन्हें करने वाले भी कई होते थे। सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। ये सब चित्र देख लें आप। किलाकार अक्षर संकेत, इनके माध्यमों से अंकित करके, मिट्टी पर अंकित करके, गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी पे अंकित करते थे, फिर उसको सुखा देते थे, फिर बाद में उसको पढ़ते थे कि किसका कितना हिसाब किताब। ये किलाकार अक्षर संकेत हैं।
मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसे गूथ कर और थाप कर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप देता था। देखें आप ये चित्र, करीब से दिखाएं, देख लें आप, ये रहा चित्र, और नजदीक से देख लें। गीली मिट्टी उसको लीप करके या थाप करके इस पे कीलाकार से, देखें आप, ये संकेतक बने हुए हैं, फिर इसे सुखा दिया जाता था। बाद में इसको सूखने के बाद इसमें परिवर्तन नहीं होता था किसी प्रकार का, फिर उसे पढ़ लिया जाता था, प्राय हिसाब किताब में इसका इस्तेमाल। यह चिकनी मिट्टी की पट्टिका जो दोनों ओर कीला अक्षरों में लिखी हुई है, यह एक गणितीय अभ्यास। पट्टिका के अग्रभाग में सबसे ऊपर एक त्रिभुज, सबसे ऊपर एक त्रिभुज और उसके आर पार कुछ रेखाएं हैं। इस सब देखें, आप देखेंगे कि अक्षर मिट्टी में दबाकर अंकित किए गए हैं। ये सब पट्टी का रूप दे दिया, रूप दे देता था, जिसे वह आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके। और सावधानी पूर्वक उनकी सतहों को चिकना बना लेता था, फिर सरकंडे की तीली की तीखी नोक से वह उसकी नम चिकनी सतह पर कीलाकार शब्द बना देता था। जब वे पट्टिकाएं धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी, वे मिट्टी के बर्तनों जैसे मजबूत हो जाती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब, जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब, असंगत या गैर जरूरी हो जाता तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। ऐसी पट्टी जब एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जाता था। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा हो, एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी। इसलिए मेसोपोटामिया की खुदाई के स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएं मिली हैं। इस स्रोत संपदा के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं। कीलाकार क्या है, इसको आप जान लें, जो अभी चर्चा हो रही थी, जिसके बारे में बताया। क्यूनिफार्म लातिनी शब्द क्यूनियस, जिसका अर्थ है खूंटी, फॉर्मा, जिसका अर्थ है आकार, से बना है। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास पूर्ण कीलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए नहीं, बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राज्यों के कार्यों का वर्णन करने, कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। अक्कदी भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज ईसवी सन की पहली शताब्दी अर्थात 2000 से अधिक वर्ष तक चलता रहा। लेखन प्रणाली, जिस ध्वनि के लिए कीलाक्षर या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एम या ए, लेकिन अक्षर होते थे, जैसे अंग्रेजी में आप देखें पीयूटी, एल ए या आईएन। इस प्रकार मेसोपोटामिया की लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। उसे गीली मिट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। साक्षरता मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों थी, बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा था। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों को दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती थी। मेरे अमुक मालिक को उसका अमुक सेवक निवेदन करता है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया है। सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक
काव्य के अंत में यह लिखा गया है, इन काम पंक्तियों को सदा याद, इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए। बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को पढ़ाएं, बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें, पिता इन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराए, ग्वालों के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहें। इस तरह की चीजें लिखी लेखन का प्रयोग शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरु के प्राचीन शासक एन मरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है। मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था, जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एन मरकर के साथ जोड़ा जाता है। उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता था यह कोई नहीं जानता था। एन मरकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न तथा धातुएं मंगाना चाहता था। उस काम के लिए उसने अपना एक दूत आरट्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद तारों की रोशनी और उसने सूचित दिशा के अनुसार दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। वह रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लागने के लिए ऊपर चढ़ता उतरता रहा। जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सूसा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया। उसने 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। दूत अराट्टा के मुखिया से लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया। उसे बारंबार लंबी यात्रा के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इसके बावजूद कि वह अराट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरु के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा, अंत में दूत इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही तरह से व्यक्त ही नहीं कर पाया। उसने इनमरकर के संदेशों को घाल मिल कर दिया। राजा इनमरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अराट्टा के शासक के हाथों में दी तो उसने उसकी जाँच की। उच्चरित शब्द कील यानी कीलाकार शब्द थे, उसे देखते ही उसकी त्योरियाँ चढ़ गईं। उसने पट्टिका पर नज़र गड़ाए रखी। इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। यह काव्य हमें यह भी बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर भेजने का साधन तो था ही, साथ ही उसने मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की भी झलक मिलती है। दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। 5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। ये शहर कई तरह के थे। पहले वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुए और शेषाई शहर थे। इनमें से पहली 2 श्रेणियों के शहर पर यहाँ चर्चा की जाएगी। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने अपने गाँव में कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाया या उनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता था और इन्नाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे, समय के साथ बड़े होते गए क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था, लेकिन मंदिरों की बाहरी दीवार कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। यही मंदिरों की विशेषता थी, साधारण घरों की दीवारें ऐसे नहीं होती थी। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। पुराने जमाने कुछ मंदिरों के फर्शों पर मछली के हड्डियों की परतें जमी हुई मिली हैं, जिसके आधार पर ये चीजें कही जा सकती हैं। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, कातना और ऊनी कपड़ों को बुनना, यही की जाती थी। घर परिवार के ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक व्यापारियों की नियुक्ता, अन्न हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, जौ की शराब, मछली आदि के आवंटन और वितरण के लिखित अभिलेखों के पालक के रूप में
मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए और मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया, लेकिन अन्य दूसरे कारक भी इस व्यवसाय में विद्यमान थे। इस तरफ आप देख लें, ये मंदिर का एक चित्र है, कैसे होता था, वेदिका, ये प्रवेश द्वार, ये भट्टी। दक्षिणी मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर, लगभग 5000 ईसा पूर्व, ये नक्शा है। जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों से गिर जाती थी। फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वस्तु बहुत ज्यादा पानी भर जाता था, फसलों को डुबा जाता था। कभी कभी ये धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थी, जिससे खेत सूखे रह जाते थे, जैसा कि पुरातात्विक अभिलेखों से पता चलता है। मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते रहे हैं। इन प्राकृतिक विपदाओं के अलावा कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी आ खड़ी होती थी। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाकों में रहते थे, वे अपने पास की जलधारा से इतना चित्र है ज्यादा पानी अपने खेतों को ले लेते थे कि धारा के नीचे की ओर बसे हुए गांवों को पानी ही नहीं मिलता था। ये लोग अपने हिस्से की सरणी में से गाद मिट्टी नहीं निकालते थे, जिससे बहाव रुक जाता था। गाद उसे कहा जाता है जो नदियां अपने साथ लेके आती और इकट्ठा हो जाता है, नीचे वाले को पानी नहीं मिलता था। इसलिए मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में जमीन और पानी के लिए बार बार झगड़े हुआ करते थे। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो जो मुखिया लड़ाई जीतते थे वे अपने साथियों और अनुयायियों को लूट का माल बांटकर खुश कर देते थे। हारे हुए समूह में से लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे, जिन्हें वे अपने चौकीदार या नौकर बना लेते थे। इस प्रकार अपना प्रभाव और अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेते थे। युद्ध में विजयी होने वाले ये नेता लोग अस्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे, आज हैं तो कल चले जाते थे। लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया जब नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। उसके फलस्वरूप नई नई संस्थाएं परिपाटियां स्थापित हो गईं। इस समय के विजेता मुखियाओं ने कीमती भेंटों को देवताओं पर अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ गई। उन्होंने लोगों के उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए भेजा, जो देवता और समुदाय के लोग लाभ पहुंचा सके। मंदिर की धन संपदा के वितरण का और मंदिरों में आने जाने वाले वस्तुओं का हिसाब किताब रखकर प्रभावी तरीके से संचालन कर सके, जैसा कि एन मरकर से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती हैं। इस व्यवस्था ने राजा को ऊंचा स्थान दिलाया तथा समुदाय पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। हम पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास के एक ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें मुखिया लोगों से ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सके। इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस कर सकें। उरुक, जो उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में एक था, से हमें सशस्त्र वीरों और उनसे हताहत वे शत्रुओं के चित्र मिलते हैं। सावधानीपूर्वक किए गए पुरातात्विक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास जब उरुक नगर का 2050 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हुआ तो उसके कारण दर्जन छोटे छोटे गांव उजड़ गए और बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। उसका यह विस्तार शताब्दियों बाद फले फूले बोहन जोधोर नगर से दो गुना था। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि उरुक नगर, इसके आगे बढ़े हम तब तक एक चित्र आपको दिखा दें। ये देखें उस समय के भवनों का, विशाल भवनों चित्र। लगभग 3000 ईसा पूर्व में निर्मित एक मंदिर, जिसका खुला हुआ आंगन और बाहरी भीतरी मुख भाग उत्खनित रूप में चित्र में दिखाया गया है। उत्खनन के बाद ही स्थिति है ना, ये मंदिर का भाग है, आप देख सकते हैं। फिर से आप देख लें एक बार, उरुक नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर काफी पहले से एक सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई थी। उरुक नगर 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा और उस दौरान 2800 ईसा पूर्व के आसपास यह बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया। युद्धबंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था। कृषि कर भले ही न देना पड़े पर काम करना अनिवार्य था।
जिन्हें काम पर लगाया जाता था उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। सैकड़ों ऐसी राशन सूचियाँ मिली हैं जिनमें काम करने वाले लोगों के नामों के आगे उन्हें दिए जाने वाले अनाज, कपड़े, तेल आदि की मात्रा लिखी गई है। एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया था। शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंटें तैयार करने और मंदिर में लगाने और सुदूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के कामों में जुटे रहते थे। इसकी वजह से 3000 ईसापुर के आसपास उरूप में खूब तकनीकी प्रगति भी हुई। अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे के औजारों का प्रयोग होता था। वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था क्योंकि उन दिनों बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए सततीर बनाने हेतु उपयुक्त लकड़ी नहीं मिलती थी। सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के शंख कोन बनाने और पकाने के काम में लगाया जाता था। इन शंखों को भिन्न भिन्न रंगों में रंगकर मंदिरों की दीवारों में लगाया जाता जिससे वे दीवारें विभिन्न रंगों से सुशोभित हो जाती थी। मूर्तिकला के क्षेत्र में भी उच्च कोट की सफलता प्राप्त की। इस कला के सुंदर नमूने आसानी से उपलब्ध होने वाली चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिकतर आयातित पत्थरों से तैयार किए जाते थे। तभी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी एक युगांतकारी परिवर्तन आया जो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ। वह था कुम्हार के चाक का निर्माण। आगे चलकर इस चाक से कुम्हार की कार्यशाला में एक साथ बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी से बनाए जाने लगे। प्रौद्योगिकी विकास है इतिहास के क्षणों में। आप देख लें, इसको देखें, आप इस चित्र को देखें और इस चित्र को देखें, फिर यहाँ देखें, यहाँ देखें, ध्यान से देखें आप। दोनों के वस्त्र एक तरह के, यहाँ पर देखें ये इंसान का चित्र और शेर का, और यहाँ भी देखें ये भी। ऊपर एक काले पत्थर पर उत्कीर्ण शिलापट पर दाढ़ी वाला व्यक्ति दोहरा चित्र दिया गया है। देखें आप, गौर से देखें, दाढ़ी संकेत दिख रहा चित्र दिया गया। उसके बालों और सिर पर बंधी हुई पट्टी, कमर पट्टी और लंबे अंगरखे के नीचे निचले हिस्से को देखिए। नीचे के दृश्य में उसे एक शेर पर अपने बड़े धनुष बाण से आक्रमण करते हुए दिखाया गया। यह वीर उस उग्र शेर को आखिर अपने भालों से मार गिरा। लगभग 3200 ईसा पूर्व स्टील पत्थर के ऐसे शिलापट होते हैं जिस पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं। ये रहा आपका, देखें, देखें इस चित्र को देख लिया। ये चित्र से काफी कुछ स्पष्ट है इतिहास को जानने के लिए। कितना देखिए, आप समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति विजयी है और यह व्यक्ति दया की भीख मांग रहा है। इसको बंधक बनाकर इसके हाथ बांधेंगे, इसका भी हाथ बांधा गया है। इसे भी देख लें, इन लोगों ने ऐसा विजयी जो विजय प्राप्त कर लिया है ये संकेत देखिए आप। इस बेलनाकार मुद्रा की छाप लगभग 3200 ईसा पूर्व छाप में अंकित दाढ़ी वाले सशस्त्र खड़े व्यक्ति और ऊपर वाले काले पत्थर पर अंकित वीर का उत्कीर्ण शिलापट या स्टेल, दोनों में पोशाक और केश शैली एक जैसी। चित्र में 3 युद्धबंदी दिखाए गए हैं जिनके हाथ बंधे हैं और चौथा व्यक्ति विजय योद्धा से हाथ फैलाकर दया की भीख मांग रहा है, जिसके बारे में आपसे बताया गया। और यहाँ देखें, मोहर एक शहरी शिल्पकृत। प्राचीन भारत में प्राचीन काल से पत्थर की मोहरें होती थी जिन पर चिन्ह अंकित किए गए होते थे, लेकिन मेसोपोटामिया में पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंत तक पत्थर के बेलनाकार मोहरें जो बीच में आर पार छिदी होती थी, एक तीली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी। इस प्रकार उनसे लगातार चित्र बनता जाता था। वे अत्यंत कुशल कारीगरी द्वारा वो करी जाती थी। कभी कभी उनमें ऐसे लेख होते थे जैसे मालिक का नाम, उनके इष्ट देव का नाम और उनकी अपनी पदी स्थित आदि। किसी कपड़े को गठरी या बर्तन के मुँह को चिकनी मिट्टी से लिपोत कर उस पर वह मोहर घुमाई जाती जिससे उसमें अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाती थी। इससे उस गठरी या बर्तन में रखी वस्तुओं
को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जा सकता था। जब इस मोहर को मिट्टी की बनी पट्टिका पर लिखे पत्र पर घुमाया जाता था तो वह मोहर उस पत्र की प्रामाणिकता को प्रतीत प्रामाणिकता की प्रतीक बन जाती थी। इस प्रकार मुद्रा सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका को दर्शाती थी। देखिए आप, ये मुहर है गोली गोलकार में और इसके भीतर दोनों तरफ से टकर के घुमा दिया गया इस पर। ये देखिए आप, इसका संकेत बन गया। पांच पुरानी बेलनाकार मोहरें और उनके छापे, ये मोहर है आपके क्रमशः उनके छापने के बाद की स्थिति है। शहरी जीवन, ऊपर के विवरण से अभी जो आपको बताया गया, नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च और संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। धन दौलत का ज्यादातर हिस्सा समाज के छोटे से वर्ग में केंद्रित था। इस बात की पुष्टि इस तथ्य होती है कि बहुमूल्य चीजें आभूषण सोने के पात्र, सफेद सीपियां और लाजवर्जने हुए लकड़ी के वाद्यंत्र, सोने के सजावटी खंजर आदि विशाल मात्रा में उर्मे राजाओं और रानियों की कुछ कब्रों या समाधियों में उनके साथ दफनाई गई मिली हैं। लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या थी? कानूनी दस्तावेजों, विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामलों में संबंधित से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। हमें विवाह की प्रक्रिया विधि के बारे में कुछ जानकारी मिली है। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी। वधु के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। इसके बाद वर पक्ष के लोग वधु को कुछ उपहार देते थे। एकल परिवार में ये भी जान लें आप, एकल परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं। यह केवल इतिहास का विषय नहीं है, यह समाजशास्त्र का भी समाजशास्त्र भी आप इससे जोड़ सकते हैं। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था। वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे, फिर मंदिरों में जाकर भेंट चढ़ाते थे। जब नववधु को उसकी सास लेने आती थी तब वधु को उसके पिता द्वारा उसकी दाई का हिस्सा दे दिया जाता था। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे। अब उन नगर के अवलोकन करें। हौज आप देखें, हौज जमीन में एक ऐसा ढका हुआ गड्ढा होता था जिसमें पानी और मल जाता था। उर नगर की एक रियासी इलाका लगभग 2000 ईसा पूर्व। क्या आप चित्र में टेढ़ी मेढ़ी गलियों के अलावा दो या तीन बंद गलियों को भी खोज सकते हैं? ये देखें चित्र है आप उस समय के। उर नगर का अवलोकन करें। यह उस नगरों में से एक था जहां सबसे पहले खुदाई की गई। उर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। उसमें टेढ़ी मेढ़ी व सकरी गलियां पाई गई जिससे यह पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां वहां के अनेक घरों तक नहीं पहुंच सकती थी। अनाज के बोरे और ईंधन के गड्ढे संभवतः गधे पर लादकर घर तक लाए जाते थे। पतली और घुमावदार गलियां तथा घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार न होने से निष्कर्ष निकलता है कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। वहां गलियों के किनारे जल निकासी के लिए इस तरह की नालियां नहीं थी जैसे कि उनके समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में पाई जाती हैं, बल्कि जल निकासी की नालियां और मिट्टी की नलिकाएं उर नगर के घरों के भीतर आंगन में पाई गई हैं, जिससे यह समझा जाता है कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था। वर्षा का पानी निकास नालियों के माध्यम से भीतरी आंगन में भरे हुए हौजों में ले जाया जाता। शायद यह इसलिए किया जाता था कि एक साथ तेज वर्षा आने पर घर के बाहर की कच्ची गलियां बुरी तरह से कीचड़ से न भर जाए। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपने घरों का सारा कूड़ा कचरा बुहार कर गलियों पर डाल देते थे जहाँ वह आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। इस प्रकार बाहर कूड़ा डालते रहने से गलियों की सतह ऊंची उठ जाती थी, इसके कारण कुछ समय बाद घरों की दहलीजों को भी ऊंचा उठाना पड़ता था ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घरों के भीतर ना आ सके। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाजों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। इससे घरों के परिवारों में गोपनीयता भी बनी रहती थी। घरों के बारे में कई तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे जिसके विषय मूर में पाई गई शकुन उपशकुन संबंधी बातें पट्टिकाओं पर लिखी मिली, जैसे घर की देहली ऊंची उठी हो तो धन दौलत आती है।
सामने का दरवाजा अगर किसी दूसरे के घर की ओर न खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है, लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाजा भीतर की ओर न खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी। उर्मे नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था जिसमें शासकों तथा जन साधारण की समाधियां पाई गई, लेकिन कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए पाए गए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और हम अगले भाग में पशुचारण क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर की चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन का प्रथम भाग।